हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मिरर के बारे में। इसमें हम लेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर पढ़ चुके हैं हम। कॉनकेव मिरर किस तरह का होता है, कॉनकेव मिरर कौन सा होता है जहाँ पे बाहर वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है। कॉन्वेक्स मिरर इस तरह का होता है, अंदर वाला उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो अब कॉनकेव मिरर जो है किस तरह का बनेगा, जब दो कॉनकेव मिरर को हम ज्वाइन कर दें, दो कॉनकेव मिरर को हमने सपोज ज्वाइन कर दिया, एक ये, तो हमारा जो बन गया वो क्या बन गया, कॉनकेव लेंस बन गया। दो हमने मिरर को ज्वाइन कर दिया, कॉनकेव मिरर मतलब अंदर वाला पॉलिश है, बाहर वाला पॉलिश्ड एरिया है, अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये जो हमारा बनेगा ये क्या बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनेगा, दो कॉन्वेक्स मिरर को अगर जोड़ देंगे हम एक इधर, तो ये कॉन्वेक्स जो है लेंस बन गया, ठीक है। इसमें जो है क्या होगा, हमारा बाहर वाला जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर वाला पॉलिश्ड है। इस केस में क्या था, अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, बाहर वाला पॉलिश था। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, और ये क्या हो गया, कॉनकेव लेंस। हमने कॉनकेव मिरर से बनाया, तो ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस और ये कॉन्वेक्स लेंस। तो इनके केस में ना उल्टा है थोड़ा, जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन करी थी कॉनकेव मिरर की करी थी, तो वहाँ पे कई सारे केस बने थे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में कई सारे केस बनेंगे, ठीक है। इसी क्योंकि ये जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, सॉरी कॉनकेव जो लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस मतलब जो रेज यहाँ पे अगर आ रही हैं तो वो इस तरह से जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके केस में जो रेज आ रही हैं वो इधर जाएंगी, मतलब ये कॉन्वर्जिंग लेंस होता है और ये डाइवर्जिंग होता है। तो इमेज फॉर्मेशन की केसेस ज़्यादा इसमें बनेंगे, कॉन्वेक्स लेंस में। उल्टा है मतलब कि मिरर और लेंस का केस इमेज फॉर्मेशन में देखेंगे अगर हम, तो उल्टा होता है। तो अब लेट्स बिगिन विद द इमेज फॉर्मेशन। हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले जो है कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहला कौन सा होगा केस, जब जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। सेम उतने ही नंबर ऑफ केसेस बनेंगे हमारे पास जितने की बने थे कॉनकेव मिरर के केस में। तो पहले ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें क्या है, इधर भी हमारे इधर साइड भी C1 और F1 बनेंगे, उधर साइड भी F1, इधर F2 C2 लगा लो, एक स्फेरिकल में इधर है, एक स्फेर इधर है, तो दो C और F बनते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे पोल की जगह एक ओरिजिन होता है, मतलब पोल जो मिरर के केस में जो पोल था वो यहाँ पे ओरिजिन है। तो सिमिलरली जो रे जो है अगर सीधी इसमें से पास करेगी कोई, तो वो उसी लाइन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब इन्फिनिटी पे था तो पैरेलल रेज आएंगी, तो ये दो पैरेलल रेज आई, और ये क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, मिलाता है, तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ बना, एफ पे बना, ठीक है। स्मॉल बनेगा, कन्वर्ज हो गया, पॉइंटेड इमेज बनती है, ठीक है। एक्चुअल में मिल रही है रेज, तो यहाँ पे रियल बनेगी, क्लियर है केस। सेकंड केस हमारा क्या होता है, बिटवीन बियॉन्ड सी हम बात करेंगे, बियॉन्ड सी। तो ये हमने बनाया लेंस मान लो, ठीक है, और ये सी था, ये एफ था, सिमिलरली इधर भी एफ और सी बनेंगे। तो बियॉन्ड सी मतलब यहाँ हमने अगर रखी तो एक पैरेलल गई थी, पैरेलल वाली फोकस में से पास करेगी, दूसरी हम यहाँ इसको पास करा देंगे ओरिजिन में से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, सी में से पास होती थी जो मिरर के केस में वो सीधी होती थी, यहाँ पे ओरिजिन में से जो पास होगी वो सीधी जाएगी। ये देखिए ये यहाँ कहीं पे बनती है,
ठीक है। तो इमेज की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, रियल, स्मॉलर इन साइज एंड इन्वर्टेड। वही जो कॉनकेव मिरर के केस में बनता था वो अब यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के केस में हो रहा है। थर्ड हमारा क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट हमने एट सी रखा है, सी पे जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कैसे बनेगा भाई, ये हमारा मिरर हुआ, ये सी है, ये अगर एफ है, इसी तरह से इधर भी एफ और सी हैं, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, एक पैरेलल गई, बाद में फोकस में से पास करेगी, दूसरी हमने ओरिजिन में से पास करा दिया, ठीक है, ओरिजिन में से पास करा दिया, तो ये सी पे ही इमेज बनेगी, जहाँ कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की तरह जब सी पे रखते हैं तो सी पे ही बनती है इमेज, सेम साइज़ की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो साइज़ सेम होगा बट रियल एंड इन्वर्टेड सेम वही रहेगी। फोर्थ केस हमारा कौन सा होता है, जब हम सी एंड एफ के बीच में रखते हैं, सी एंड एफ के जब बीच में रखेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये बना हमारा मिरर लेंस, ये सी है, ये एफ है, सिमिलरली इधर भी एफ और सी हैं, ठीक है। तो हमने सी और एफ के बीच में जब रखी तो ये पैरेलल रह गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से पास करेगी, दूसरे को हमने ओरिजिन में से पास करा दिया, तो ये इधर मतलब बियॉन्ड सी बनेगी और लार्ज साइज होगी उससे, और रियल और इन्वर्टेड। तो जैसे जैसे पास लेके आते हैं तो हमारी बड़ी इमेज बननी शुरू हो जाती है। सेम उसका केस था कॉनकेव मिरर का, और सेम कॉन्वेक्स लेंस का है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लेके आएंगे जो इमेज है वो बड़ी होती जाएगी, बट है रियल और इन्वर्टेड है अभी तक, सिर्फ लास्ट वाले केस में जब बिल्कुल ही पास ले आए तब जाके इरेक्ट इमेज बनती है, वरना रियल इन्वर्टेड ही बनती है यहाँ पे, ठीक है। फिफ्थ केस कौन सा है, जब हमने F पे रख दिया, एट F, तो जब F पे रखा है तो क्या होगा, ये मान लो ये F पे हमने रख दी, तो इधर भी F है, यहाँ C होगा कहीं पे, तो ये करें जब पैरेलल आई तो F में से पास होगी और दूसरी हमने इसमें से पास करा दी, तो ये क्या हो रहे हैं, पैरेलल पैरेलल जाते जाएंगे, इन्फिनिटी पे कहीं जाके मिले तो मिले वरना नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे ये, और हमारी जो इमेज है वो पीछे हम बढ़ा के इसको कुछ, ठीक है, तो पीछे बढ़ा के तो नहीं, बट यहाँ पे पैरेलल है तो ये इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, बनेगी हमारी जब भी बनेगी तो लार्ज साइज़ की बनेगी और रियल इन्वर्टेड होगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सिक्स्थ केस में, जब एफ और यहाँ पे पी के बीच में रखते हैं, तो यहाँ ओ के बीच में, एफ एंड ओ के बीच में हमने रखा है, तो ये है हमारा मिरर सॉरी लेंस, ये हमने एफ और सी इधर है, इसी तरह से एफ और सी उधर होंगे, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को रखा तो एक पैरेलल गई, पैरेलल वाली कहाँ से पास होती है, एफ में से, दूसरी हमने ओ में से पास करा दी, ये ओरिजिन है, तो ये इधर से, अब ये इधर वाली साइड तो कहीं नहीं मिलेंगे, दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, तो इसको हमने इधर बढ़ाना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो लास्ट केस है सिर्फ उसमें इरेक्ट बनती है इमेज, इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, क्योंकि एक्चुअल में रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं मीट नहीं हो रही, तो इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड लार्जर साइज़ की बनती है। तो सिर्फ एक ही केस होता है वो ऐसा, जब बिल्कुल पास होता है ऑब्जेक्ट लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के और कॉनकेव मिरर के, जब बिल्कुल पास होगा तब जाके सिर्फ एक ही केस होता है, जब इरेक्ट इमेज बनती है, सीधी बनती है, वरना सब में इन्वर्टेड बनती है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लेते जाएंगे हमारी जो इमेज है वो बड़ी होती जाएगी, ठीक है, और बिल्कुल पास ले आएंगे तब भी बड़ी ही है और इरेक्ट एंड वर्चुअल है, जब दूर होता है ऑब्जेक्ट तो छोटी इमेज बनती है, क्लियर है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का केस हो गया। अब बात आते हैं कॉनकेव लेंस की, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस ने क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है तो इसमें भी दो ही केस हमारे बनते हैं,
कौन से दो केस बनेंगे, एक जब इन्फिनिटी पे है इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, दूसरा जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे भी है सामने इसके, इन्फिनिटी और ओ के बीच में कहीं पे है, ठीक है। तो जब इन्फिनिटी पे है तो ये पैरेलल रेज आई, ये पैरेलल रेज ही आएंगी इन्फिनिटी से तो, और जब पैरेलल रेज आएंगी तो ये क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से बाहर जाएगा, ये फोकस में से पास करे। सिमिलरली ये भी इस तरह से कि फोकस में से पास करे, डाइवर्ज हो जाएंगी। तो फोकस पे बनती है इमेज, पॉइंटेड इमेज होगी और वर्चुअल है क्योंकि एक्चुअल में मिल नहीं रही जो रिफ्लेक्टेड रेज है। सेकंड है यहाँ पे कहीं पे हमने रख दिया सपोज ऑब्जेक्ट, तो एक रे हमने पैरेलल लगा दी जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, कहाँ से पास होती है, एफ़ में से। बट अब यहाँ इस तरह से नहीं होएगी, यहाँ डाइवर्जिंग लेंस है तो ये इस तरह से, सपोज ये एफ है तो इस तरह से पास होती हुई जाएगी। और दूसरी हमने रे क्या कर देना है, दूसरी को हमने ओ में से पास करा देना है, तो ये यहाँ पे कहीं बनी इमेज, स्मॉल साइज की है और इरेक्ट है, और ठीक है इरेक्ट है और वर्चुअल है, ठीक है। तो ये वाला केस जो कॉनकेव लेंस वाला केस है वो हमारे पास किस में था, कॉन्वेक्स मिरर में था, जिसके हम गाड़ियों के पीछे जिसको यूज़ करते हैं ताकि भाई वहाँ पे इरेक्ट इमेज ही बने, क्योंकि यहाँ पे दोनों केसेस में ही इरेक्ट इमेज ही बनेगी, इन्फिनिट वाले में पॉइंटेड बनेगी बट बनेगी इरेक्ट ही। तो सेम है किसका, तो हमारे कॉनकेव लेंस जो है वो किसके सिमिलर इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर के, और कॉन्वेक्स लेंस जो है किसके सिमिलर इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर के। तो आप एक को भी अच्छे से कर लोगे तो वहाँ से आप कोरिलेट इस तरह से इनको कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू फ्रेंड्स।